वालेकुम साइमा जाहिद अपने गार्डन में हाजिर है। ये देखें, ये मैंने अंडे के छिलकों को इस तरह पीस के, मुझे इंस्टेंट जो है फ़ौरन चिली के पौधों को जो है कैल्शियम देना है। मुझे लग रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से मेरे पौधे मुड़ रहे हैं, तो ये मैंने इस तरह पीस के, और मैं ये आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये मैंने इसको डिज़ोल्व करके उसके अंदर सिरके में करके रखा है कि ये अच्छे से, ये देखें, इसमें मिक्स हो जाए ताकि कैल्शियम सारा निकल आए बाहर। फिर मैं इसको पानी में डाल के मिक्स करके सब पौधों को दे दूंगी और कुछ छिलके वैसे भी ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने पानी ले लिया जग के अंदर, तकरीबन इतना पानी है, ये अच्छा खासा है, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये मैंने इनमें से ये कुछ ना कुछ तो जो है इसके अंदर निकल आएगा। अब ये छिलके हैं असल में इतनी आसानी से आते नहीं हैं। ये देखिए, अभी तो मैंने इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, वैसे इसको आधे घंटे का टाइम भी काफ़ी होता है। मैं इसमें और पानी ऐड करके ये अंडे के छिलके, गलती हो गई मुझसे जब मैंने मिट्टी बनाई चिली के पौधों की, तो मुझे उस वक्त दे देना चाहिए था। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इनमें सब में मैं दे दूँगी, और इस तरफ भी जो पौधे हैं वो देखिए मैंने अंदर तक रखे हुए हैं। ये देखें, ये मैं इनको सबको दूंगी कि इनको कैल्शियम की कमी ना हो। ये पत्ते मुड़ने लगते हैं, इसका मतलब यही है कि इन्हें कैल्शियम की कमी हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पौधे ज़्यादा हैं मेरे पास मिर्ची के। ये देखिए, इधर भी और ये देख सकते हैं आप, इनमें फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। देखें, अब फ्लावर आ रहे हैं तो यकीनन मिर्चें भी लगेंगी। इनको ऐसे लग रहा है कुछ मसला है, लेकिन ये मैं फिर भी इनको दूंगी। ये चिली के जो प्लांट हैं इनको मैं लाजमन दूंगी कि इन्हें कोई मसला ना हो। बल्कि ये छिलके भी डाल दूंगी मैं, ये छिलके भी जो है इनके लिए बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो।